तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से नवंबर मंथ का त्रैमासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर जो है ना हिस्ट्री यानी कि इतिहास का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों अभी के इस वीडियो में मैं आपको इतिहास का जो ओरिजिनल पेपर उसका सब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा, आगे ये भी बताऊंगा कि कैसे इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आप देख पाओगे, साथ में ये भी बताऊंगा कैसे इस पीडीएफ को पूरा जो आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। तो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, बिल्कुल देख लीजिए। आपको बता दें आपका विषय कोड वगैरह 321 रहेगा और आपको टाइम जो मिलेगा ना टोटल 1.5 घंटा का मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, और टोटल 50 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो देख लीजिए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, सेम टू सेम ही आपके एग्जाम में जो ना आने वाला है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको ना इसका उत्तर बता दूं प्यारे बच्चों, ये देख लीजिए, ये रहा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मैं ना नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, इसके लिए चैनल को आप जल्दी से ना सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इसका जो ना सब्जेक्टिव का उत्तर की बता दूं। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए आपका जो ना यहाँ पर लघु उत्तर या प्रश्न सबसे पहले आपको दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिएगा लघु उत्तर या प्रश्न में ना 1 से लेकर 10 तक प्रश्न आपको दिया गया है, ठीक है प्यारे बच्चों, 1 से लेकर 10 तक दिया है। इसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को ही आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा किन्हीं 5 प्रश्नों को ही बनाना है, जिसके लिए आपको टोटल जो है ना 10 नंबर मिलेगा, 1 प्रश्न पर आपको जो ना आपको 2 नंबर मिलने वाला है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों मैं सभी प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ। और देखिए पहला प्रश्न जो पूछा गया ना प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न जो है ये आपसे क्या पूछा है, पूछा है कि सामंतवाद से आप क्या समझते हैं, सामंतवाद से आप क्या समझते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये पूछा गया है आपसे कि वेल्स जेल प्रथा क्या थी, ठीक है ना, वेल्स लेज प्रथा क्या थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया प्यारे बच्चों, ये पूछा गया कि नाइट, ठीक है ना, नाइट्स कौन थे। तो दो ये रहा 3 नंबर प्रश्न। एंड आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न पूछा गया प्यारे बच्चों कि फिप क्या है, ठीक है ना, फिप क्या था। तो ये रहा, एंड आगे बढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों देख लीजिए ये रहा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 4 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 है ना, 5 देख लीजिए क्या पूछा गया है कि फ्रायर कौन थे, फ्रायर जो कौन थे। एंड आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि बेगार क्या था, अब बेगार प्रथा क्या थी, ठीक है प्यारे बच्चों, बेगार प्रथा जो है क्या थी। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, ये आपसे पूछा गया है कि सरेनी से आप क्या समझते हैं, सरेनी से आप क्या समझते हैं। एंड आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि होममेज प्रथा क्या थी, होममेज प्रथा जो है क्या थी। एंड आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये पूछा गया है कि चर्च की जो है ना, चर्च की आय के मुख्य स्रोत जो है ना क्या थे। और आगे देखिए प्यारे बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 10 नंबर प्रश्न है, और इसका मैं आपको बताऊं प्रश्न क्या है, तो ए बी या मोनास्ट्री से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये आपको टोटल जो है ना प्यारे बच्चों 10 प्रश्न है, इसमें से ना मैं 5 प्रश्नों का जो है ना लगातार उत्तर बताने वाला हूँ। यहाँ से देख लीजिए, अब मैं ना इन सभी प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, 1 नंबर का बताऊंगा, 2 का बताऊंगा, 3 का बताऊंगा, 4 को छोड़ करके 5 और 6, टोटल 5 प्रश्नों का मैं ना उत्तर आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। एंड आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों आपको ना लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से देखेंगे तो दीर्घ उत्तर या प्रश्न है। इसमें से ना लिखा गया है साफ साफ कि आपको 11 से लेकर 15 तक प्रश्न दिया गया है, इसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों को ही बनाना है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना इसमें से ना किन्हीं 3 प्रश्नों को ही आपको बनाना है। तो मैं सभी प्रश्नों को पहले दिखा दूं। अब पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न जो है ना ये पूछा गया प्यारे बच्चों कि मेंडरो की जो ना जागीर का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, मेजरों की जागीर का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। एंड क्वेश्चन में यहाँ पर 12 देखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आपसे पूछा गया कि 11वीं सदी में नगरों के उदय के कारणों का व्याख्या करें, जो है ना ये आपसे पूछा। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है प्यारे बच्चों, तो ये पूछा है कि एथिदल नगर का जो ना विस्तार पूर्वक वर्णन करें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो ये देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15, और ये 14 है ना, 14 पूछा गया कि 10वीं और 16वीं सदियों में यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन के कारणों का जो है ना कारणों को लिखना है। एंड आगे बढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों ये देखिए, ये रहा 15 नंबर प्रश्न, और ये आपसे जो पूछा गया ना प्रश्न पूछा गया कि सामंतवाद के पतन के कारणों की विवेचना करें, ठीक है, तो सामंतवाद के पतन के कारणों की विवेचना करें। प्यारे बच्चों मैं आपको इसका उत्तर इसी वीडियो में बताऊंगा और डाउनलोड करने के लिए भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप उससे पहले ना चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए, ताकि जैसे ही ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड होगा एंड आपका बचा हुआ है म्यूजिक का पेपर एंड साथ में होम साइंस का, वो सब जैसे ही अपलोड होगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा तो आप लोग जो ना आराम से देख पाएंगे। तो चलिए फटाफट से मैं आपको ना इसका उत्तर बता दूं। तो प्यारे बच्चों ये रहा पहला प्रश्न का उत्तर, देख लीजिए पहला प्रश्न है, पहला का मैं उत्तर दिया हूँ, ठीक है। तो उत्तर देखिए क्या लिखा गया, तो उत्तर होगा कि सामंतवाद मध्यकालीन युग में इंग्लैंड और यूरोप की प्रथा थी, इन सामंतों की कई श्रेणियां थी, जिनके शीर्ष स्थान में राजा होता था। उसके बाद लिखने प्यारे बच्चों, उसके नीचे विभिन्न कोटि के सामंत होते थे और सबसे निम्न स्तर में किसान या दास होते थे, या रक्षक और अधीनस्थ लोगों का संगठन था। तो प्यारे बच्चों ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया। अब चलिए आगे ना 2 नंबर प्रश्न का उत्तर बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कैसे आप जो ना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा एंड साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करिएगा और इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है, वो सब मैं आपको चल के गूगल पे बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों
इसके लिए आपको जो है ना गूगल या क्रोम कहीं पर भी चले आना है। प्यारे बच्चों आपको जो है ना गूगल या क्रोम जो है कहीं पर चले आना है और सर्च बार में आपको जो सर्च करना है ना, देख लीजिए मिठुन स्टडी सेंटर आपको सर्च करना है। प्यारे बच्चों मिठुन स्टडी सेंटर आप देख लीजिए, चैनल का नाम जो है ना प्यारे बच्चों जिस चैनल पर अभी वीडियो देख रहे हो देख लीजिए मिठुन स्टडी सेंटर, सेम आकर के गूगल में आपको जो है ना सर्च कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है प्यारे बच्चों और मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, ये रहा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आपको फर्स्ट में ही क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेगा यह पूरा का पूरा इंटरफेस जो ना खुल जाएगा। तो प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, अब आपको स्क्रॉल डाउन करके ना आराम से थोड़ा नीचे करके आपको आना है। ठीक है प्यारे बच्चों आपको जो है ना इस प्रकार से नीचे आना है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्लास 11th के एक सेशन आपको देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों ये रहा क्लास 11th का सेशन, आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक कर देना है, इस पर ना आपको क्लिक कर देना है प्यारे बच्चों। जैसे ही क्लिक करिएगा ना तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने जो है ना इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको जो है ना नीचे स्क्रॉल डाउन करना है प्यारे बच्चों, आपको फर्स्ट में ही एक सेशन देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूँ ये देख लीजिएगा यहाँ पर ना क्लास 11th के लिए जो ना आर्ट्स वाले बच्चों के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर यहां पर दिया गया है। तो प्यारे बच्चों नीचे आपको आना है, थोड़ा सा यहां पर आपको देख लीजिएगा एक हिस्ट्री का सेशन देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों यहां पर देख लीजिए ये रहा हिस्ट्री का सेशन और यहां पर ना डाउनलोड बटन का एक ऑप्शन दिया है, तो आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर लेना है प्यारे बच्चों। और जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। अब आपको नीचे आना है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहां पर देख लीजिए साफ साफ लिख दिया क्लास 10th हिस्ट्री के लिए जो ना ऑब्जेक्टिव का आंसर की। तो प्यारे बच्चों यहां से आकर के आप ऑब्जेक्टिव का ये रहा पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आपको जो है ना स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और ये प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहा, ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, तो इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपका 2024 में फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा तो उसके लिए भी तैयारी हम करवाएंगे, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो प्यारे बच्चों ये देख लीजिए ये रहा सब्जेक्टिव आंसर की, इसके नीचे में यहाँ पर कमिंग सोन लिखा है ना, आप वीडियो देख करके जाइए, वहाँ पर मैं ना अपडेट कर दूंगा तो वहाँ से आप देख लेना। और इसके थोड़ा नीचे आप प्यारे बच्चों आएंगे तो यहाँ पर सोशल मीडिया अकाउंट लिखा है ना, तो ये रहा टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पर ना आप क्लिक हेयर पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। तो चलिए बराबर से आपको आंसर बता दे। प्यारे बच्चों ये देखिए दो नंबर प्रश्न है और मैं इसका उत्तर इसका भी ना उत्तर आपको बता दूं। देखिए दो नंबर प्रश्न का उत्तर होगा कि वेल्स लेज प्रथा एक सांस्कृतिक और धार्मिक जो है ना आर्थिक प्रणाली थी जो मध्यकालीन यूरोप में जो ना विकसित हुई थी। तो ये दो नंबर प्रश्न का उत्तर था प्यारे बच्चों। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, इसका भी मैं उत्तर बता दूं। देखिए इसका उत्तर होगा क्या, उत्तर होगा नाइट, देख लीजिए नाइट लॉर्ड से उसी प्रकार से जुड़े हुए उसी प्रकार से जुड़े थे जिस प्रकार जो ना लॉर्ड राजा से संबंध थे। उसके बाद लिखना है प्यारे बच्चों कि लॉर्ड नाइट को भूमि का एक भाग देता था और उसके बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित धनराशि देता था और युद्ध में उसकी ओर से लड़ने का वचन देता था। तो प्यारे बच्चों ये था 3 नंबर प्रश्न का उत्तर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं आपको आगे उत्तर बताऊँ, तो ये देख लीजिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 और इसका मैं उत्तर आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर बता दूं, ये देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए उत्तर क्या होगा, तो उत्तर होगा रकली के हर जो ना रकली के हर पहला आपको लिखना है कि प्रभावहीन फसल चक्र भिक्षुओं के उन समूहों को जिन्होंने मठों में ना रहने का निश्चय किया फ्रायर कहा गया। तो ये आपका था प्यारे बच्चों 5 नंबर का उत्तर, तो इसको भी आप लिख लीजिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे देख लीजिए क्वेश्चन यहां पर जो ना 6 नंबर है, तो इसका मैं उत्तर देने वाला हूं। प्यारे बच्चों 6 नंबर का उत्तर आप लोग यहां से देखेंगे तो उत्तर होगा कि आर्थिक ठीक है ना आर्थिक अधिक जाने से इस लेख में संदर्भ या स्रोत नहीं दिया गया है, मूल्य चुकाए बिना श्रम कराने की प्रथा को बेगार कहते हैं, इसमें श्रमिकों की इच्छा के बिना कोई काम नहीं लिया जाता है, सामंती साम्राज्यवाद और अफसरशाही प्राय समाज के कमजोर लोगों से बेगार करवाती थी। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका 6 नंबर का उत्तर, टोटल मैंने आपको 10 नंबर के जिसने प्यारे बच्चों उत्तर बता दिया। अब चलिए मैं आपको ना इसका लॉन्ग क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो बता देता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए वो बता देता हूँ, उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, अभी तक ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने उत्तर दिया है, तो देख लीजिए इसका जो उत्तर होगा ना प्यारे बच्चों उत्तर क्या होगा, तो आप लोग बिल्कुल पेन कलम निकाल करके लिख ही लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए उत्तर होगा कि मध्ययुगीन काल के दौरान जागीर संप्रदाय प्रणाली एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक संस्था थी। उसके बाद लिखना है इसने भोजन और जीविका तथा व्यापार के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन सुनिश्चित किया, स्वामी ने सुरक्षा न्याय और संगठित श्रम प्रदान किया, जबकि किसानों ने जमीन पर काम किया और अपनी आजीविका के बदले में जो है ना
बकाया भुगतान किया। तो प्यारे बच्चों ये आपका 11 नंबर प्रश्न का उत्तर था, अब बिल्कुल मैंने करेक्ट एकदम आंसर दे दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों 12 का मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। तो ये रहा 12 नंबर प्रश्न का उत्तर, और देखिए उत्तर होगा, नई वस्तुओं की मांग ने व्यापार और उद्योगों को बहुत बढ़ावा दिया और शहरों के उदय को बढ़ावा दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखना प्यारे बच्चों, ठीक है, ये ना पॉइंट नंबर 1 है प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 1 लिखना, ये दूसरा नंबर पॉइंट है, इसमें लिखना आपको कि सामंतवाद का उद्भव जो ना उद्भव व्यापार और कस्बे के पतन के साथ साथ धीरे धीरे हुआ, विशेषकर 11वीं सदी के बाद से सामंतवाद के पतन से एक बार फिर व्यापार और कस्बे का उदय हुआ। तो प्यारे बच्चों ये जो है ना आपका 12 नंबर प्रश्न का उत्तर था, बिल्कुल मैंने करेक्ट उत्तर आपको बता दिया है, आप लोग ना इसको आराम से जो है लिख लीजिए। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिया है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, इसका मैं उत्तर आपको बता दूँ। उत्तर होगा कि कैथेड्रल शहर आकर्षक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है जो एक कैथेड्रल के आसपास केंद्रित है। इसके आगे प्यारे बच्चों आपको लिखना है कि इन कस्बों का आम तौर पर एक समृद्ध और जीवंत इतिहास है जिसमें कैथेड्रल केंद्र के रूप में कार्य करता है। उसके बाद लिखना है समुदाय का बिंदु है। तो प्यारे बच्चों टोटल मैंने आपको जो है ना इसमें जो है सब्जेक्टिव का उत्तर बिल्कुल करेक्ट करेक्ट बता दिया। अब ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ प्यारे बच्चों, इसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूँ प्यारे बच्चों चल करके सब्जेक्टिव प्रश्न। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिए, ये आपका था सब्जेक्टिव का, मैंने बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको बता दिया ना। अब चलिए ऑब्जेक्टिव का उत्तर भी मैं आगे बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा कि सॉलमेन का संबंध कहाँ से था। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल इसका ऑप्शन नोट कर लेंगे, तो जर्मनी से था, तो पहला प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ प्यारे बच्चों, उसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, साथ में बाय बाय।